दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि भारत ये मुकाबला जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के साथ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन में एक बार फिर से भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर हावी रहा। न सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने अपने गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन किया बल्कि बल्लेबाजों ने भी ऐसा कहर बरपा दिया मानो जैसे एक ही पारे में ही सारे मैच को फिनिश कर देगा। आखिरकार डे 3 की कैसे रही बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस और गेंदबाजी कैसे रही, आपको सब कुछ हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। साथ ही अश्विन के उस रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो बैनिस्टर के खिलाफ एक बहुत ही शानदार बना दिया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंडिया और इंग्लैंड में कौन एक बेहतर टीम, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच खेले गए 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में जब पहला मुकाबला भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजों ने पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर हावी रहा और इसी के साथ उन्होंने सिकंजा भी कस लिया है। हालांकि टॉस हम हार गए थे लेकिन जितने भी हालात और कंडीशन थे वो रोहित शर्मा के बिल्कुल फेवर में ही थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेट पर 246 रन के आंकड़े को ही छू पाया जिसमें से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक शानदार और बढ़िया पारी खेल पाई और अपने टीम के लिए 70 रन ही जोड़ पाया और जितने भी बल्लेबाज थे वो सिर्फ 40 के आंकड़े को भी छू नहीं पाया और इसी के कारण उन्होंने 246 रन के ही आंकड़े को छू पाया। और इस पारी के दौरान गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 8 विकेट पर 28 रन खर्च करके 2 विकेट चटका लिए थे और इसी के साथ रविंद्र जडेजा भी 18 ओवर में 88 रन खर्च करके 3 विकेट चटका लिए थे और इसके बाद आर अश्विन ने भी 21 ओवर में 68 रन देकर 3 विकेट चटका लिए थे और अक्षर पटेल ने भी 13 ओवर में 33 रन खर्च करके 2 विकेट चटका लिए थे। इसके बाद पहली पारी के दौरान भारतीय गेंदबाजी खत्म होने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। सचिन जसवाल ने 80 रन की सबसे शानदार पारी खेली जिसमें से 3 छक्के और 10 चौके शामिल था। इसके बाद इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने कोई खास कमाल नहीं कर पाया और मैच 24 रन बनाकर आउट हो गया था। लेकिन देखा जाए तो सुमन गिल जो कि कुछ दिनों से अपने खराब फॉर्म में चल रहा है और उन्होंने अपनी टीम के लिए केवल 23 रन ही जोड़ पाया जिसमें से 2 चौके शामिल थे। केएल राहुल ने इस मैच के दौरान काफी शानदार पारी खेली और उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 86 रन अपने टीम के लिए बना डाले। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी 35 रन की पारी खेली। लेकिन बात करें रविंद्र जडेजा की तो उन्होंने काफी शानदार पारी खेली और उन्होंने 87 रन की सबसे बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम के लिए शानदार और काफी जानदार पारी अपनी टीम के लिए पेश किया और इसी के साथ यहाँ से अक्षर पटेल ने भी बॉलिंग के साथ बैटिंग भी काफी अच्छी किया और उन्होंने 40 रन अपने टीम के लिए जोड़ा और श्रीकर भरत ने भी 41 रन जोड़ा और इसी के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी के दौरान 10 विकेट पर 436 रन के सबसे बेहतरीन स्कोर खड़ा कर दिया। अब यहाँ से इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी की शुरुआत तीसरे दिन में होती है और जल्दी ओपनर बल्लेबाज जैक क्रावली 31 रन और बेन डकेट ने 47 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन इस मैच के दौरान ओली पॉप तो अपने पैर ही जमा के बस गए हैं, उन्होंने अपने पारी के दौरान शतकीय पारी खेलकर अपने टीम के लिए एक मजबूत स्थिति तक पहुंचा दिया है और यहां से भारत के लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दिया है। ओली पॉप इस वक्त 138 के स्कोर पर खेल रहे हैं जिसमें से 16 चौके शामिल हैं और इसी के साथ जो कि पिछले मैच में बेन स्टोक्स ने शानदार बल्लेबाजी किया था लेकिन इस मैच में वो केवल 6 रन ही बना सके और अश्विन के बॉल पर बोल्ड हो गए और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने अश्विन के खिलाफ एक बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। उन्होंने अश्विन के गेंदबाजी में 12 बार आउट हो चुका है जो ये दर्शाता है कि बेन स्टोक्स अश्विन के सामने उसकी बल्लेबाजी नहीं चलती है। इसी के साथ अश्विन के इस लिस्ट में डेविड वार्नर का नाम भी जुड़ा हुआ है जो कि दूसरे पायदान पर है और वो अश्विन के गेंद पर 11 बार आउट हो चुका है। ये दर्शाता है कि ये दोनों बल्लेबाज अश्विन के सामने एक न चलती है और टेस्ट क्रिकेट में आर अश्विन को एक बेहतरीन और महान बॉलर बनाती है। वो इंग्लैंड के पारी की बात करें तो 6 विकेट के नुकसान पर लगभग 300 आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और ये मुकाबला 5 दिन तक चल सकता है। वैसे आप सभी को क्या लगता है ये मुकाबला भारत ही जीतेगा, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइए और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।